नोटिस निर्गत किया गया था और उन सभी कंपनियों में से टाटा स्टील का जो है वो जवाब जो है वो मिला है। वहाँ पर कार्यरत कर्मियों का जो है वो उन्होंने बीमा कराया है, अन्य जो जमशेदपुर वासी हैं उनका जो है वो इसमें बीमा नहीं कराया गया है। तो ये संज्ञान में आया है, मामला उनके जवाब से भी स्पष्ट हुआ है। इसमें हम लोग पुनः सभी कंपनियों को ये नोटिस निर्गत कर रहे हैं कि खास करके इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड स्कीम के तहत जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसका 100% अनुपालन जो है वो सुनिश्चित हो, और जो कंपनियां इसका अनुपालन नहीं करेंगी उनके संदर्भ में सरकार के श्रम विभाग को जो है वो सूचित किया जाएगा। डरा नहीं रहे हैं, लेकिन घटनाएं बताकर घटित नहीं होती, इसलिए जमशेदपुर में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। ऐसे में अब देखना है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन टाटा स्टील पर कितना दबाव बना पाते हैं कि इस कानून को वो लागू करा पाए, क्योंकि रिस्क फैक्टर यहाँ बहुत ज्यादा है। कैमरामैन नितेश कुमार के साथ अन्नी अमृता, ईटीवी न्यूज जमशेदपुर। तो नियमों के यहाँ पर धज्जी।